अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जाहिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरीटून कराची प्रीसेंट वन में। प्रीसेंट वन बहरीटून कराची के अंदर एंटर होते ही 250 गज़ का ये पहला प्रीसेंट है, बल्कि सबसे पहले ये प्रीसेंट आता है बहरी के अंदर एंटर होते ही। यहाँ पर मैं 250 गज़ के विला के बाहर मौजूद हूँ। ये प्राइवेटली ये विला कंस्ट्रक्टेड है, बहुत अच्छा विला है। आज मैं इसका आपको इनसाइड टूर दूंगा और साथ साथ इसकी प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी मेंशन करूंगा। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता जाऊं कि कुछ रूल एंड रिस्ट्रिक्शन भी हैं बहरिया की तरफ से, कि जैसा कि मैं बताता जाऊं कि अगर एक स्ट्रीट के अंदर 5 मैप बहरिया देता है, उसके अंदर से आपने एक सेलेक्ट कर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं उन 5 मैप के अंदर। बिलफर्ज़ अगर उस स्ट्रीट के अंदर 5 मैप के अंदर से लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर घर बना चुके हों तो आपको भी उसी रूल को फॉलो करना है और उसी तरह का विला कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप 5 मैप के अंदर से खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके विला कंस्ट्रक्ट करें तो आपको उस स्ट्रीट का इंतखाब करना पड़ेगा जहां पर पहले विला मौजूद नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। अभी मैं विला के अंदर एंटर होता हूँ और अंदर से आपको इनसाइड टूर करवाता हूँ विला का। तो आइए, तो विला का इनसाइड टूर करवाने से पहले मैं आपको इस प्रीसेंट की कुछ अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपको इस प्रीसेंट में तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर मस्जिद मौजूद है, बहुत खूबसूरत पार्क मौजूद है, जैसा कि इस वक्त मैं पार्क के फ्रंट गेट पर मौजूद हूँ। और अंदर आएँगे तो आपको महसूस होगा कि इतना खूबसूरत पार्क आपको बहरिया के अंदर मुश्किल से ही किसी और प्रीसेंट में मिलता है और एक्सेस वाइज बड़ा इजी है। ये बहरिया के अंदर एंटर होते ही ये पहला प्रीसेंट है। और अगर शॉपिंग गैलरी की बात करें तो बिल्कुल साथ इसके प्रीसेंट 2 है, उसके अंदर प्रॉपर एक शॉपिंग गैलरी भी बनाई गई है और इसके अंदर स्लाटर हाउस भी है और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये स्ट्रीट 26 पर मैं मौजूद हूँ। मैं विला के अंदर एंटर होने से पहले आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ विला के हवाले से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों विलाज़ का सेम स्ट्रक्चर है, सेम एलिवेशन है। अंदर से आप अपने तरीके से डेकोरेट इसे कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आपको सेम रखना है। और जो मैं आपको विला आज विज़िट करवाऊँगा वो है विला ये, और इसका भी आप देख सकते हैं बाहर से स्ट्रक्चर सेम है, कुछ ग्रिलिंग वगैरह एक्स्ट्रा की गई है और अंदर से भी इन्होंने डिफरेंट बनाया है। तो अभी विला के अंदर एंटर होते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। विला के अंदर एंटर होते ही ये कारपोच का एरिया और अच्छी स्पेस है, दो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर भी स्पेस दी गई है, आप अपना यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अंदर जाने से पहले थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ आऊँगा और ये इसका गार्डन है, इसको आप अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ ग्रास वगैरह लगाई गई हैं, कुछ पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं और आप इसको अपने तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। और बाहर वाली साइड पे यहाँ पर स्टोन लगाए गए हैं, फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छी यहाँ पर दी गई है और ये इस तरह का डोर है। अभी अंदर चलते हैं। ये इसका कॉरिडोर है, यहाँ से डर्टी किचन को एंट्रेंस है और सर्वेंट के लिए अलग वाशरूम दिया गया है और सेपरेट एंट्रेंस है ऊपर वाले फ्लोर के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर बनाया गया है। कॉरिडोर काफ़ी वसी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर आप गीज़र वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपने रूफ टॉप पर जाना है तो यहाँ पर स्टेयर्स भी दी गई हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस है ऊपर वाले फ्लोर के लिए, यहाँ से आप अंदर वाला सेपरेट कर सकते हैं ये डोर क्लोज करके, ताकि अगर आप रेंट के लिए देते हैं तो आप कोई प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब ना हो। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये इसका वॉशरूम दिया गया है सर्वेंट के लिए और ये जो डोर है ये डर्टी किचन की तरफ खुलता है। अगर अभी हम अंदर चलते हैं, एंटर होने से पहले यहाँ पर वाइट और ब्लैक
यहाँ पर टाइल्स लगाई गई हैं और फ्रंट जो डोर है उसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है और अंदर एंटर होते ही कुछ आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। ऊपर वाइट फिनिशिंग और रूफ लाइट्स के साथ आपको सीलिंग मिलती है और इस तरफ आपको ड्राइंग रूम का एरिया मिलता है। ड्राइंग रूम का भी अच्छा साइज़ है। अब जैसा कि डेप्थ में अगर जाऊँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा, तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं। अगर सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी वाइट फिनिशिंग के साथ सीलिंग दी गई है, अच्छे फनूस दिए गए हैं और फ़ैन भी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी डिज़ाइन का यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी आप फनूस देख सकते हैं। अगर दीवारों की बात करूँ तो यहाँ पर वॉलपेपर आई गेस लगाया गया है, लेकिन बड़ी अच्छी लुक यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर भी छोटे छोटे फनूस नस्ब है। और इस ड्राइंग रूम के अंदर से ही पार्टीशन की गई है लाउंज की तरफ, लेकिन मैं आपको यहाँ से एंटर होता हूँ ताकि आपको घर का अच्छे तरीके से आइडिया हो सके। और ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने, जिस तरह आपको बाहर से भी दिखाया, ये पार्टीशन अलग की गई है ऊपर जाने के लिए। पहले मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ फिर ऊपर चलते हैं। तो ये इसका लाउंज का एरिया, लाउंज का एरिया जैसा कि ये ड्राइंग रूम से भी एंट्रेंस है और ये इसका लाउंज का एरिया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेस यहाँ पर दी गई है। अगर सीलिंग की बात करें तो सीलिंग यहाँ पर भी मुख्तलिफ है, वाइट फिनिशिंग है और रूफ लाइट्स हैं और फनूस आप देख सकते हैं। पंखे यहाँ पर भी मुख्तलिफ हैं और ये इसकी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल आप अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी साथ कैबिनेट्स वगैरह भी दी गई हैं। और लाउंज के बिल्कुल सामने आपको ओपन किचन मिलता है। ओपन किचन अभी इतनी सफाई यहाँ पर नहीं की गई क्योंकि रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर भी सीलिंग आप देख सकते हैं वाइट फिनिशिंग में और रूफ लाइट के साथ आपको मिलती है। और इसके बिल्कुल साथ आपको डर्टी किचन भी मिलता है। डर्टी किचन का भी अच्छा साइज़ है और ये रास्ता जो बाहर से आपको दिखाया है सेपरेट भी इसको रखा जा सकता है। तो अंदर से कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट भी मिलता है, यहाँ पर बर्नर भी मौजूद है, ये आपको इसी तरह लगा लगाया मिलेगा। अभी हम इसके रूम की तरफ चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इसके दो रूम हैं, एक ये है और एक ये। पहले आपको मैं इसका विजिट करवाता हूँ। ये इसका फर्स्ट रूम है, यहाँ पर भी सीलिंग मुख्तलिफ है और उसी तरह वाइट फिनिशिंग है और फैन आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन अच्छा है। और यहाँ पर भी वॉलपेपर के साथ फिनिशिंग दी गई है और ये छोटा सा फनूस है। और इसी तरह कवर्स वगैरह आपको रूम के अंदर मिलती हैं और रोशनी के लिए ये ग्रीन वगैरह भी आप देख सकते हैं। अभी मैं इसका आपको वॉशरूम दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये इसका वॉशरूम का एरिया, ये कंपाउंड आपको मिलता है, ये शावर एरिया और ये वेंटी भी अच्छी लगाई गई है और मिरर आप सामने देख सकते हैं। तो अभी हम सेकेंड रूम की तरफ चलते हैं। ये इसका सेकेंड रूम है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। अगर सीलिंग पे बात करें तो यहाँ पर भी सीलिंग मुख्तलिफ है, वाइट फिनिशिंग है और उसी तरह रूफ लाइट्स हैं और फैन यहाँ पर सेम है दूसरे रूम की तरह। और नीचे अगर देखें तो बड़ी अच्छी यहाँ पर टाइल नस्ब है और इस रूम के अंदर भी कबर्ड्स दी गई हैं ताकि आपको सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। अभी इनकी सफाई वगैरह होने वाली है लेकिन अच्छे तरीके से यहाँ पर दी गई है। और ये इसका इस रूम का वॉशरूम है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पर वेंटी है, वेंटी भी अच्छी लगाई गई है, फिनिशिंग अच्छी है, सैनिटरी का सामान, पानी भी आ रहा है और मिरर वगैरह आप देख सकते हैं। और ये इसका शावर का एरिया है। तो वॉशरूम का भी साइज़ आप देख सकते हैं और वॉशरूम में भी सीलिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, यहाँ पर भी डिफरेंट सीलिंग है उसी तरह वाइट फिनिशिंग। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, यहाँ वापस लाउंज की तरफ आएँ। और ये इसका ओपन किचन और अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है, ये अंदर से भी है ग्राउंड से और अगर आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो बाहर से भी इसकी एंट्रेंस है। तो ऊपर जाने से पहले आपको कुछ इस तरह की फिनिशिंग मिलती है स्टेयर्स के ऊपर और यहाँ पर ग्लास और स्टील यहाँ पर लगाया गया है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का आपको खूबसूरत लैंप की शक्ल में यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर भी सीलिंग मुख्तलिफ है, यहाँ पर वाइट फिनिशिंग है, रूफ लाइट्स हैं, लाइट्स फर्स्ट फ्लोर की ऑन नहीं हुई, नहीं तो मैं आपको दिखाता। नीचे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा तरीके का
खूबसूरत मार्बल लगाया गया है। अंदर एंटर होने से पहले ये इसका टेरेस है, टेरेस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये इसका एक रूम ये है, पहले मैं आपको फर्स्ट बेडरूम ये दिखाता हूँ। अंदर एंटर होते हैं ये खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। फ्लोर्स यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत हैं, थोड़े से मुनफरद हैं। और पंखा आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर डिज़ाइन लगाया गया है। और यहाँ पर भी दीवारों में वॉलपेपर लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी फील यहाँ पर आपको आ रही होगी। नीचे मार्बल भी सेम उसी तरह का है। और यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, जिसके आपको बाहर से भी व्यू मिलता है और रोशनी भी आप आपको भी देख सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं इस रूम को। यहाँ पर ग्लास का डोर दिया गया है, अच्छी फिनिशिंग है, अच्छी क्वालिटी है। और अभी हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। सेकंड रूम से पहले ये लाउंज का एरिया है। यहाँ पर भी वाइट सीलिंग, वाइट फिनिशिंग और रूफ लाइट के साथ एक बहुत ही खूबसूरत फनूस और पंखे का भी एक मुनफरद स्टाइल मिलता है। और यहाँ पर भी खिड़की नस्फ है, जिससे आपको लाइट्स का आपको यहाँ पर इशू नहीं होगा, क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो आप रोशनी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम ये इसका डेडिकेशन है, यहाँ भी छोटा सा किचन बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कैबिनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बर्नर है और यहाँ पर एग्जॉस्ट भी आपको मिलता है। और यहाँ से आपको बाहर का व्यू और रोशनी भी बखूबी मिलती है। और यहाँ पर सिंक का एरिया, सिंक में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन इसकी भी अच्छी फिनिशिंग है। कैबिनेट्स नीचे भी आपको मिलती हैं, पानी लगता है आना शुरू हो गया, लेकिन हम इसे बंद करेंगे। और अभी हम सेकेंड रूम की तरफ चलें। ये इसका सेकेंड रूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इसका साइज निस्बतन छोटा है, कम है, लेकिन स्पेस को यूटिलाइज अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर भी वाइट फिनिशिंग में सीलिंग दी गई है, एक फ़ैन है बड़ा खूबसूरत, और यहाँ पर ग्रिल है जहाँ पर भी आप रोशनी देख सकते हैं। अभी हम इसके थर्ड रूम की तरफ, इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे फोर बेडरूम की अकोमोडेशन दी गई है। अभी हम थर्ड रूम की तरफ चलते हैं। ये रूम इसका निस्बतन उससे बड़ा है और सीलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मुख्तलिफ है, सिंपल दी गई है और वाइट फिनिशिंग है और रूफ लाइट्स हैं और पंखा भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर छोटा सा फनूस भी दिया गया है। और इसकी भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, मैट फिनिशिंग है। और इस रूम के अंदर भी कबर्ड्स मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका अच्छा खासा सामान यहाँ पर ईजीली आ सकता है। और ऊपर की तरफ भी हैं और यहाँ पर भी आपको ग्रिल मिलती है, रोशनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस रूम का हम वॉशरूम दिखाता हूँ, ये इसकी वेंटी है और यहाँ भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग दी गई है। ये इसका कंपोर्ट है और ये वॉशिंग एरिया है, इसको सेपरेट रखा गया है ताकि इसकी लुक मज़ीद बेहतर हो। तो सेंट्री आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर लगाई गई है। अभी हम फोर्थ रूम की तरफ चलते हैं। एंटर होते ही आप रोशनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ग्रिल मौजूद है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वॉलपेपर ही आई गेस लगाया गया है। जी वॉलपेपर है लेकिन अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ पर भी सीलिंग मुख्तलिफ है, सिंपल है और सिंपली वाइट फिनिशिंग में और रूफ लाइट के साथ आपको पंखा मिलता है। और इस रूम के अंदर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाती हैं ताकि आपको सामान अपना रखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और इस रूम के अंदर भी अटैच वाशरूम है, इसका भी आपको दिखाता हूँ। ये कंपोर्ट है और ये इसकी वेंटी है, वेंटी अच्छी लगाई गई है, सेंट्री यहाँ पर भी अच्छी है, पानी आ रहा है। और यहाँ पर शावर का एरिया रखा गया और इसको भी सेपरेट रखा गया। तो अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के चारों रूम दिखा चुका हूँ और अब हम इसके टेरेस की तरफ चलते हैं। जी तो हम ये टेरेस में एंटर हो चुके हैं। टेरेस का आप साइज़ देख सकते हैं, अच्छा और बड़ा साइज़ है। यहाँ पर आप चेयर्स वगैरह लगाकर आप हवा का लुत्फ ले सकते हैं। और बाहर से आपको ये जिना एवेन्यू का व्यू नज़र आ रहा है, ये जिना एवेन्यू की हाई राइज कमर्शियल है, बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ ये प्रेजेंट पड़ता है। और बहरिया के अंदर एंटर होते ही जिना एवेन्यू स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहरिया के लास्ट तक 40 किलोमीटर तक डेवलप हो चुकी है। बहरिया के अंदर एंटर होते ही ये पहला प्रेजेंट है 250 गज़ का। और
आप यहाँ पर टेरेस भी बखूबी देख सकते हैं और फ्रंट से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। ये हमारी गाड़ी पार्क है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सामने भी अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको सिक्योरिटी का तो वैसे ही नहीं बहरी के अंदर इशू, लेकिन आप बखूबी देख भी सकें। तो साइड का व्यू कुछ इस तरह का, अगर ऊपर की तरफ आपको दिखाऊँ तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। तो जी ये था 250 गज का प्राइवेटली कंस्ट्रक्ट विला, बहरी के अंदर एंटर होते ही ये पहला प्रेसेंट है और 250 गज की कटिंग है इस प्रेसेंट में। ऑलमोस्ट 1000+ घर यहाँ पर बन चुके हैं या बनने वाले हैं। अगर आप विला परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप इस विला की अमाउंट जानना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर रابطہ करके इसको बुक करवा सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये मौजूद है और जिस तरह कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है विला में अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो बड़ी अच्छी लोकेशन, बड़ी अच्छी स्ट्रीट का विला है, रौनक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का अहतमाम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।